कौन सी खबर रही सुर्खियों में। गांव में स्वच्छता को बढ़ावा देने 4.34 करोड़ के पुरस्कार। राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 के तहत स्वच्छ भारत मिशन देगा 15 श्रेणियों में पुरस्कार। गांवों में स्वच्छता को बढ़ावा देने राज्य स्वच्छ भारत मिशन द्वारा 4.34 करोड़ रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन पुरस्कारों के लिए चयनित ग्राम पंचायतों और प्रतिभागियों को गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को पुरस्कृत करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार 2020 के तहत 15 श्रेणियों में दिए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा की। बिलासपुर में 5 लोगों की हत्या। आरोपी ने अपने ही माता पिता, 2 भाई और बहन की हत्या कर की खुदकुशी। न्यायधानी बिलासपुर में 5 लोगों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने अपने ही माता पिता, 2 भाई और बहन की हत्या कर खुद भी मौत को गले लगा लिया। माँ बाप, 2 भाई और बहन की हत्या के बाद आरोपी ने की खुदकुशी। बताया जा रहा है कि आरोपी सभी की हत्या करने के बाद खुद गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दी। सीपत की मटियारी में हुई हत्या और आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। बहरहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। विद्युत तार की चपेट में आने से दंतैल हाथी की मौत। इधर दल ने 2 घरों को किया क्षतिग्रस्त। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में करंट से हाथी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान ने हाथियों के उत्पात से अपने फसलों को बचाने के लिए करंट लगाया था, वहीं अब इसकी चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई। इधर जिले के पथल गांव में 13 जंगली हाथियों के दल ने गांव में जमकर उत्पात मचाया। जानकारी के अनुसार लुढ़ेक के समीप बेडेगी गांव घुसे हाथियों के दल ने 2 घरों को क्षतिग्रस्त किया है, वहीं फसलों को भी रौंदा है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को गांव से भगाया। वन विभाग के कर्मचारी अब गांव में तैनात किए हैं। वहीं हाथियों के लगातार गांव में घुसने की घटनाओं से ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ कड़ा आक्रोश दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए बीएड और एमएड में होगा एडमिशन, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ में बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ एजुकेशन में प्रवेश के लिए परीक्षाएं नहीं आयोजित की जाएगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक इन कोर्सों में छात्रों को प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। राज्य उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अब राज्य के विभिन्न बीएड और एमएड की कक्षाओं में एडमिशन अहरकारी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए दिशा निर्देश तय करने की जिम्मेदारी SCERT को दे दी गई है। भाजपा के जिला मंत्री संजय सोढ़ी ने दिया इस्तीफा। भाजपा के जिला मंत्री बनाए गए संजय सोढ़ी ने इस्तीफा दे दिया है। संजय सोढ़ी भाजयुमो जिला अध्यक्ष का दावेदारी कर रहे थे। संजय सोढ़ी पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष स्वर्गीय बुधरा सोढ़ी के पुत्र हैं। आपको बता दें, नक्सलियों ने संजय सोढ़ी के पिता की हत्या कर दी थी। रायपुर और बीरगांव में लॉकडाउन के बीच 3 बजे तक खुलेंगे बैंक, निर्देश जारी। राजधानी रायपुर और बीरगांव में लॉकडाउन के दौरान 3 बजे तक ही बैंक खुलेंगे। प्रशासन ने रायपुर और बीरगांव के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दोनों जगह पर 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है। प्रदेश में लगातार कोरोना के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को छत्तीसगढ़ में 371 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अकेले रायपुर में 205 संक्रमित पाए गए हैं। भारत में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में रिकॉर्ड 49,310 नए मामले बढ़े। भारत में कोरोना का कहर जारी है, हर दिन के 7 मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में संक्रमितों की संख्या अब 10 लाख के पार पहुँच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 12,87,945 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 30,601 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 8,17,422 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 49,310 नए मामले सामने आए हैं और 740 मौतें हुई हैं।
कानपुर में लैब असिस्टेंट किडनैप, फिरौती देने के बाद हत्या, परिजन बोले पुलिस जिम्मेदार। कानपुर पुलिस एक बार फिर आरोपों के घेरे में है। इस बार आरोपों की वजह है एक लैब असिस्टेंट की अपहरण के बाद हत्या। 22 जून को लैब असिस्टेंट का अपहरण हुआ था। लाचार और परेशान परिजन उसे छुड़वाने के लिए चौकी प्रभारी, थानेदार से लेकर पुलिस अधीक्षक तक के चक्कर लगाते रहे। पुलिस अधिकारी आश्वासन की घुट्टी पिलाते रहे। पुलिस के कहने पर परिजनों ने जैसे तैसे जुगाड़ कर 30 लाख रुपए की फिरौती भी दे दी, लेकिन फिरौती देने के बावजूद अपहरणकर्ताओं ने लैब असिस्टेंट की हत्या कर दी। गुरुवार की रात पुलिस ने कुछ युवकों को पकड़ा, तब लैब असिस्टेंट संजीत यादव की हत्या का खुलासा हुआ। अब आक्रोशित परिजन पुलिस की लापरवाही के कारण हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्यवाही की। सीएम योगी ने आईपीएस अफसर अपर्णा गुप्ता, तत्कालीन डिप्टी एसपी मनोज गुप्ता समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही फिरौती के पैसे की जांच का आदेश दिया गया है। 19 सितंबर को होगा टूर्नामेंट का आगाज। 9 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल। इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। आईपीएल 13 का आगाज 19 सितंबर से होगा और टूर्नामेंट का फाइनल 9 नवंबर को खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने इस बात का आधिकारिक ऐलान किया है। इससे पहले ब्रजेश पटेल ने घोषणा की थी कि इस साल आईपीएल यूएई में खेला जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल का आयोजन तय समय पर नहीं हो पाया, लेकिन वर्ल्ड कप रद्द होने के चलते बीसीसीआई के लिए आईपीएल के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा आज होगी रिलीज। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा आज रिलीज होने जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, फैमिली और फिल्म की कास्ट सभी के लिए ये एक इमोशनल पल है। आज शाम 7:30 बजे इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकेगा। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।